गोरखपुर जिले में सोमवार को पिछले 24 घंटे में 212 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,659 हो गई है। इनमें 87 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,084 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वह स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 1,957 लोग होम आइसोलेशन में है। जिले में अभी भी 2,531 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में शहरी क्षेत्र के 109 और ग्रामीण क्षेत्र के 86 सहित अन्य 17 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि सोमवार को पाए गए नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सदर क्षेत्र के शाहपुर थाना क्षेत्र में 21, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 21, राजघाट थाना क्षेत्र में 8, तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 4, कैंट थाना क्षेत्र में 24, कोतवाली थाना क्षेत्र में 10, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में 9, चिलवाताल थाना क्षेत्र में 6 और गुलेरिया थाना क्षेत्र में 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के बैठट में 4, बासगांव में 1, गगहा में 4, कैंपियरगंज में 8, गोला में 5, जंगल कौड़िया में 4, खोराबार में 9, पिपरौली में 3, सहजरवा में 4, पिपराइज में 4 और सरदारनगर में 17, उरवा में 4 सहित अन्य 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसकी जानकारी सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि नए पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों की कोरोना जांच कराई जाएगी, साथ ही इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सैनिटाइजेशन का कार्य कराने के आदेश दिए गए हैं। जो भी नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।